पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वैश्य समाज मुरादाबाद के द्वारा आज कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का जोरदार स्वागत सर्किट हाउस में किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा नंदगोपाल नंदी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद पहुंचे नंदगोपाल नंदी ने कहा कि संगठन को तेजी के साथ मजबूत करें और साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराएं। आपको बता दें कि सबसे पहले नंदगोपाल नंदी मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित ग्राउंड में चल रही रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे और वहां पर वैश्य समाज के सभी कार्यकर्ता इंतजार में पलके बिछाए खड़े थे। जैसे ही नंदगोपाल नंदी पहुंचे तो नंदी भैया जिंदाबाद के नारे लगने लगे और जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश सुनीता गुप्ता रही, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता और वैश्य समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुरादाबाद द्वारा माननीय नंद गोपाल नंदी भैया जी का आज भव्य स्वागत हम सभी ने मिलकर जोरदार किया, जिसमें कि मैं प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी सुनीता गुप्ता, जिला अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता और महिला संगठन की सोनिया गुप्ता अध्यक्षता निभाई, जिसमें कि हम सब ने एकजुट होकर एक भव्य स्वागत किया उनका। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे माननीय मंत्री जी के साथ हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से उनसे बातचीत की और उनके आने की खुशी में सभी ने फूल वर्षा की। मैं सोचती हूँ कि सभी हम एकजुट रहें, जितना भी हमारा वैश्य समाज है, पदाधिकारी हैं, हमारे मेंबर हैं, जितने भी मेंबर उससे जुड़े हुए हैं, वो सभी से एक ही बात मैं कहूँगी कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए और जो भी कोई हम प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम को भव्य तरीके से करना चाहिए। इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ कि सभी एक आवाज़ पर चले आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब इसी तरीके से एकजुट रहे वैश्य समाज में। और नंदी भैया जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।